अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करते हैं हम आपको आज के व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं नीली रावी की भैंस। माशाल्लाह सभी एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। दोस्तों मैं अपने डेयरी से वापस आ रहा हूँ और मैं आज जो है ना आपको दिखाऊँगा कि मेरे विलेज में कैसी प्यारी प्यारी भैंस हैं। आ जा दोस्तों, मुझे तो बफेलो बहुत पसंद है, इनका दूध भी बहुत मज़े का होता है। हम लोग तो गांव में हम लोग तो भैंस का दूध पीना ही पसंद करते हैं। हमने रखी ही इसलिए होती हैं कि जो हम इनका खालस दूध पी सकें। आपको मालूम है कि अब आजकल पाकिस्तान में खालस दूध बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर मिलता भी है तो वो बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए हमने इन्हें अपने पेट्स को रखा हुआ है, बफेलो पेट्स को ये आदमी रखे हुए हैं। मोस्टली हमारे गांव में जो है ना घरों में लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं और उनके लिए मुलाजम रखे हुए हैं और वो मुलाजम उनको सारा दिन चारते भी हैं फसलों में और पानी वगैरह उनको वंडा वगैरह हर चीज़ का ख्याल करते हैं। ए अपना सरकारी शान रखे हुआ जी, बच्चों लाइन लाख की बच है, 1 किलो ले लिया, 10 किलो ले लिया। आ जी बड़ा टाइम भट्टी मार्च, ये 2 टाइम का 20 किलो दुद्ध देती है। ठीक है माशाल्लाह जी, हम इन्होंने नहा लेना, जब नहा गया VIP हो जाना, उन्होंने जबरदस्त चमक जाना। ठीक है ना ही इन्हें सानू चमका देना शाम को दुध शुद्ध दे के। ठीक है हम बह गए ने, हम इन्होंने साफ हो जाना है। हमने वेखी इन्ह की वीडियो फिर बनेगी, फिर जबरदस्त टाइम चमकन गिया, नज़ारे आ जाएंगे। 5-5 लाख की एक मज हैगी है। गर्मी के बच्चे हम सुकून कर रहे हैं अमन नाल, इतने नहाण गया ठंडिया हो गया, ठंडा होकर जो बाहर आन गया फिर बाबा जी अपना चरा शरा कर, चरा करके तो फिर घर तुर जाएंगे, फिर इन्होंने मंडा शंडा पावे। आ मुंडा नाल होंगे जी इन्हों, वेख डांग वाला इन्हें हम इन्हों नवा नहो के साफ कर देना। बड़ा